Hey, what's up everyone and welcome back to Verma Education। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड BSc नर्सिंग के एग्जाम में फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अराउंड 11 12 मिक्स करोगे ना देन आपके पास 28 चैप्टर टर्म कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो 28 चैप्टर में हम लोगों के पास कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो देखते रहना एंड चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब ना करा तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जिन लोगों को भी ना झारखंड BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम देना है उसके साथ साथ अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो पहला जो टेस्ट सीरीज है वो 27 जुलाई को है, मतलब कि आज है। आज आपका पहला टेस्ट सीरीज होने वाला है और ये व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कराया तो ज्वाइन कर लो फटाफट से, 120 रुपीज़ चार्जेस है। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होने वाला टेस्ट सीरीज। जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं कराया तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। अभी जो डे रह गया ना वो हम लोग काउंट करते हैं। आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ वो 27 को और जो आपका एग्ज़ाम है वो 13 को है, ठीक है। तो 16 डेज रह गए, 13 और इधर 3, ठीक है। तो 16 डेज रह गए, 16 दिन रह गए हैं, ठीक है। तो अभी तो बेसिकली हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ो, ठीक है। और जो भी मैं बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट चैप्टर मार्क कर लो, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने सारे चैप्टर के नेमिंग यहाँ पर लिस्ट दिए हुए हैं, आपको इस साइड के पार्ट को इग्नोर करने हैं, ठीक है। इस साइड के पार्ट आपको ओनली देखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चैप्टर मार्क करूँगा आगे से जाके, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है वो यहाँ पर देख सकते हो पहला चैप्टर हमारा यूनिट मेजरमेंट एंड ईरर। यहाँ से आपको तीन क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं हाईली, ठीक है। तीन क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करो, यूनिट्स डायमेंशन यूनिट जो है ना निकालना वो आप एक बारी कर लो, ठीक है। वो आ सकते हैं 1 मार्क का डायमेंशन यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, इस चैप्टर से। फिर आगे बढ़ते मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ से भी 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन एंड मोशन इन ए प्लेन, यहाँ से 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, न्यूटन लॉज इन मोशन एंड फ्रिक्शन से यहाँ पर आपको यूजुअली 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कभी कभी 4 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो NLM एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। वर्क पावर एंड एनर्जी, यहाँ पर आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना आपको। सेंट्रल लाइन ऑफ मोशन, यहाँ से 2 क्वेश्चन। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर 2 पूछ सकते हैं एंड थियोरिटिकल क्वेश्चन भी 2 पूछ सकते हैं। फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यहाँ से बेसिकली आते नहीं हैं, बस ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से आ सकते हैं, या तो फिर कह सकते हैं हम लोग वो सरफेस टेंशन वाला जिसमें सोप का सरफेस टेंशन निकालना होता है तो वहाँ से क्वेश्चन यूजुअली आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको छोड़ते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, यहाँ ये क्वेश्चन ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर। फिर फ्लूड से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे कि एग्रीकल्चर में इन लोगों ने पूछ रखा था कि हाइड्रोलिक प्रेशर को किसके रूल में आता है, बल्क मॉड्यूलस या फिर इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यहाँ पर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। टेम्परेचर वाइज कैलकुलेशन, ठीक है, कि आपको फॉरेनहाइट दिया रहेगा डिग्री सेल्सियस में चेंज करना या फिर डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा उसको फॉरेनहाइट में चेंज करना, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर थर्मोडाइनमिक्स KTC, ठीक है, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मोडाइनमिक्स, 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ केमिस्ट्री के थर्मोडाइनमिक्स में 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग SHM, ये SHM में चैप्टर, और यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो 3 से 4 क्वेश्चन SHM में, ठीक है। फिर वेव मोशन से यूजुअली आते नहीं है, ठीक है, बट अगर बाय द चांस आ गया देन आपका 1 क्वेश्चन जरूर रहेगा इससे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, यहाँ से 4 क्वेश्चन आराम से मिल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, यहाँ भी 1 क्वेश्चन मार्क कर लो। ग्रेविटेशन से यूजुअली नहीं देते हैं ग्रेविटेशन से, ठीक है, बट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको देख सकते मिल जाएगा, तो 1 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल सकता है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये मिल जाएंगे। फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इससे क्वेश्चन आपको बेसिकली ग्राफ बेस्ड वाले मिलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ से 4 क्वेश्चन रहेंगे। फिर अल्टरनेटिंग करंट,
इससे एक से दो क्वेश्चन रहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से दो क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन रहते हैं। फिर रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स से नहीं रहते, वेव ऑप्टिक्स से नहीं रहते हैं, रे ऑप्टिक्स से यूजुअली पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। डुअल नेचर एंड मैटर ऑफ रेडिएशन, इससे भी नहीं रहते, एटम से भी नहीं रहते, न्यूक्लियर से रहते हैं, सेमी कंडक्टर से रहते हैं। न्यूक्लियर से तीन, दो से तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और सेमी कंडक्टर में भी आपको दो से तीन, ठीक है। तो यूजुअली इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता चलेगा होगा किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों को भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा ना, वो फटाफट से आप कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर जो भी आपको स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।